नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे। इस पर आपको टिप्पणी करने को आ जाता है, यानी कुछ लाइन लिखने को इस पर आ जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म है, और समझिए ये आते ज़रूर हैं। आपने देखा होगा, अगर आप बीए बीकॉम ठीक है में हैं तो ये प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इच्छाओं के लोभ संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इच्छाओं के लोभ संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा भारत के दार्शनिक और अर्थशास्त्री रहे जे.के. मेहता ने दिया था। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। तो ये कहते हैं कि मानवीय आचरण का ये जो अर्थशास्त्र है वह विज्ञान होता है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित, यानी इच्छा ही ना रह जाए, ऐसी अवस्था में पहुंचाने के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि संतुष्टि और सुख में अंतर होता है। तो इन दो पॉइंट्स पे ध्यान दो तब समझ में आ जाएगा। संतुष्टि और सुख, ये कहते हैं दोनों में अंतर होता है। संतुष्टि का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया तो आपको सुख प्राप्त नहीं हुआ, संतुष्टि प्राप्त हुई, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति आपने किया है। इनके कहने का मतलब है, जबकि सुख का अनुभव तब होता है जब आवश्यकताएं शून्य हो जाती हैं, मतलब आप किसी भी चीज़ की इच्छा ही ना रखो। प्रोफेसर मेहता आगे कहते हैं कि व्यक्ति के सामने हमेशा इच्छाओं की पूर्ति की समस्या बनी रहती है, इसी वजह से चुनाव की समस्या जन्म लेती है। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि व्यक्ति को इस समस्या से छुटकारा तभी मिल सकता है जब उसकी इच्छाएँ या आवश्यकताएँ कम से कम हों, या फिर मनुष्य इनका परित्याग कर दे, यानी बिल्कुल छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, उसको संतुष्टि मिल जाएगी। आप कह सकते हैं सुख सबसे बड़ा तभी मिलेगा उसको, छुटकारा मिल सकता है समस्या से, ये उनके कहने का मतलब है। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा से ज्ञात होता है कि ये इच्छा रहित मानव की कल्पना करते हैं। तो ऐसे तो मनुष्य इच्छा रहित हो जाएगा, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ऐसी कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एक भी इच्छा या दो चार इच्छाएँ ना हों। कम हो सकती हैं लेकिन इच्छाएं ज़रूर होती हैं और उनकी पूर्ति वो करता ही है। भूख ही को ले लो, भूख जब लगती है तो हमें खाना खाने की इच्छा होती है। अब खाने नहीं खाओगे तो उसकी उसका अस्तित्व तो ख़त्म हो जाएगा ना, आपका अस्तित्व तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि मनुष्य की कुछ ना कुछ इच्छाएँ अवश्य होती हैं, चाहे वह सामाजिक व्यक्ति हो या एकांतवासी हो। प्रोफेसर मेहता अपनी परिभाषा में कहते हैं कि अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है, मतलब इच्छाएं बिल्कुल छोड़ दो, त्याग कर दो, तो उसमें सबसे ज़्यादा सुख है। अगला है आधुनिक अर्थशास्त्र की आधुनिक यानी विकास संबंधी परिभाषा। तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैमुएलसन ने वर्तमान समय में अर्थशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लिए जाने वाले उत्पादन की सीमित साधनों का एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूह में उपभोग मतलब कंजम्पशन हेतु वर्तमान आज के समय में और भविष्य फ्यूचर के बीच बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं, ऐसा चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें अथवा इसके बिना करें। तो इनकी परिभाषा बहुत ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये बार्टर सिस्टम में भी प्रयोग की जा सकती है, यूज़ होती है, अप्लाई होती है, और जब मुद्रा का प्रयोग हो रहा है यानी आज का युग, उसमें भी अप्लाई होती है। प्रोफेसर सैमुएलसन ने अपनी परिभाषा में प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा के दोष और कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया है। उनकी परिभाषा की मुख्य विशेषता यह है कि वह साधनों एवं साध्यों में होने वाले गतिशील परिवर्तनों को मान्यता देते हैं। प्रोफेसर पीगू की अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा क्या है वो समझ लीजिए। देखिए प्रोफेसर पीगू जो हैं वो मार्शल के शिष्य थे। आर्थर सिसिल पीगू ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर है। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान माना है। तो अगर प्रश्न में आ जाता है पीगू ने अर्थशास्त्र को क्या माना है, तो आप बता दीजिएगा कि उन्होंने आदर्श विज्ञान माना है। उन्होंने यह अनुभव किया कि प्रोफेसर मार्शल के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसके कारण अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत सीमित हो गया है, इसलिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा में मार्शल के द्वारा प्रयोग किया गया जो भौतिक कल्याण या मेटेरियल वेलफेयर था उसको आर्थिक कल्याण या हित यानी इकोनॉमिक वेलफेयर से उसको क्या कर दिया, उसका स्थान परिवर्तित कर दिया, मतलब मटेरियल वेलफेयर की जगह अब इकोनॉमिक वेलफेयर का उन्होंने शब्द यूज़ कर दिया, क्योंकि इससे
अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट मैटर है बहुत ही सीमित हो जा रहा था, इस वजह से उन्होंने इकोनॉमिक वेलफेयर शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, प्रोफेसर पीगू के अनुसार अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण का अध्ययन होता है। आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है, यानी जिसको हम लेन देन कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से या मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र की सीमाएं, अब सीमाओं के बारे में देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र की सीमाओं में सबसे पहला है सामाजिक मनुष्य का अध्ययन। तो आप जानते हैं अर्थशास्त्र की ये सीमा है कि ये जड़ तत्व होता है उसका अध्ययन नहीं करता, ये सामाजिक मनुष्य का अध्ययन करता है, जैसे हम लोग आप लोग जो समाज में रहते हैं। दूसरा है वास्तविक मनुष्य का, यानी ये काल्पनिक मनुष्य का अध्ययन नहीं करता है, कोई रोबोट वोबोट का अध्ययन नहीं करता है, वास्तविक मनुष्य का अध्ययन करता है जैसे आप और हम। ठीक है, जो रियल में हैं, जिनको भूख लगती है, प्यास लगती है, जो हंसते हैं, भावनाएँ होती हैं। तीसरा है केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, तो इसमें जो पशु पक्षियों का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है, या रोबोट का अध्ययन नहीं करते हैं, इसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो हम लोग आप लोग करते हैं। ठीक है, कैसे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, लॉ ऑफ सप्लाई कब अप्लाई होता है ना, जब इंटरेस्ट कभी ज़्यादा मिलने लगता है तो आदमी कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करने लगता है, तो ये सब जो है मानवीय क्रियाएँ हैं। ठीक है, इनका अध्ययन वो करता है। सामान्य मनुष्य का अध्ययन करता है, हम लोग जैसे हो गए, आप लोग हो गए, हम लोग सामान्य मनुष्य हैं। ठीक है, इनका अध्ययन करता है, मतलब इसमें जैसे पागल हो गए, अपराधी हो गए, कंजूस हो गए, इन सब का अध्ययन नहीं किया जाता है इसमें। तो सामान्य मनुष्य का मतलब यही हुआ। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कंजप्शन हो गया, उपभोग होता है, प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन करते हैं तो कैसे क्या सामान लगाया, कैसे क्या उत्पादन हुआ, उसकी कैलकुलेशन करना, ये सब प्रोडक्शन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन, जो मजदूर हैं या जो वर्कर्स हैं उनको कैसे किस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, बांटा किस हिसाब से जाएगा, तो ये क्या है, आर्थिक ये क्रियाओं के क्रियाएं हो गई। ठीक है, इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद है आर्थिक नियम कम निश्चित होते हैं। हाँ, तो ये कह सकते हैं आप कि आर्थिक नियम जो होते हैं वो प्राकृतिक नियम से अलग होते हैं। जो आर्थिक नियम होते हैं वो कम थोड़ा निश्चित होते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक नियम होते हैं वो ज़्यादा निश्चित होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, वो गलत भी होते हैं, उनकी भी कुछ मान्यताएं होती हैं। ठीक है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेसर रॉबिन्स और प्रोफेसर मार्शल ने समझाया है, तो उसको आपको समझना होगा। अब हम देखते हैं क्या अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, आइए देखते हैं कि न्यूट्रल है या नहीं है। तो देखिए, इस संबंध में अर्थशास्त्र की दो विचारधाराएं चलती हैं। पहले वाले जो अर्थशास्त्री का एक समूह है वो कहता है हाँ तटस्थ है, दूसरा कहता है तटस्थ नहीं है। पहले वाले जो है वो देखिए, प्रोफेसर जेबी से सीनियर और आधुनिक अर्थशास्त्री रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र केवल यह बताता है कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है। ठीक है, अर्थशास्त्री केवल यही बताएं कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, उनके कारण क्या हैं और उनके परिणाम क्या होंगे। अर्थशास्त्री को सही या गलत बताने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात अर्थशास्त्र को अच्छाई या बुराई से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनके कहने का मतलब है उसको तटस्थ रहने दो, ये मत बताओ कि उसका उद्देश्य क्या है, उसके परिणाम, मतलब आपको क्या प्राप्त करना है, क्या नहीं प्राप्त करना है, ये सब नहीं बताने की ज़रूरत है। बस उसकी व्याख्या कर दो, उसका कारण बता दो, परिणाम बता दो, क्योंकि ये सब लोग क्या मानते हैं, साइंस को, इसको पॉजिटिव साइंस मानते हैं, इकोनॉमिक्स को, है ना, इस वजह से ये ऐसा कह रहे हैं, तटस्थ रहना पड़ेगा। अगला है अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं है। तो दूसरी ओर मार्शल और पीगू जैसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हैं ये दोनों ही लोग, और उनका कहना है कि एक अर्थशास्त्री को केवल नियमों की व्याख्या ही नहीं करनी चाहिए बल्कि लोगों को यह भी बताना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जहां वास्तविक विज्ञान मदिरा पान की अच्छाइयों और बुराइयों के प्रति तटस्थ रहता है, मदिरा पान आप जानते हैं लीकर शराब पीना, उसके प्रति क्या रहता है, तटस्थ रहता है जो पॉजिटिव विज्ञान, मतलब ये रॉबिन्स हो गए, सीनियर हो गए, जेबीसी, ये कहते हैं मदिरा पान अगर कोई कर रहा है तो ये मत बताओ कि अच्छा है कि बुरा है, बस ये बता दो कि इतनी बिक्री होगी, इसका परिणाम ये होगा, ये कारण है, ये परिणाम होगा। ठीक है, इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जहां वास्तविक विज्ञान मदिरा पान की अच्छाइयों बुराइयों के प्रति तटस्थ रहता है, वहीं आदर्श विज्ञान मदिरा पान की अच्छाइयों और बुराइयों को बताने के साथ साथ इस बात का भी निर्णय देता है कि व्यक्ति को मदिरा पान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
आर्थिक नीति एवं आर्थिक सिद्धांत। अब ये बात समझिए, सबसे पहले आर्थिक नीति यानी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है इसको समझते हैं। आर्थिक नीति से अभिप्राय है राष्ट्रीय आर्थिक नीति यानी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से लिया जाता है, जिससे रोजगार, विकास, गरीबी को कम करना, मूल्य नियंत्रण इत्यादि उद्देश्य बनाए जाते हैं। इसमें क्या बनाए जाते हैं, ये सब उद्देश्य बनाए जाते हैं कि भैया रोजगार बढ़े, गरीबी कम हो, विकास हो, है ना, मूल्य का नियंत्रण हो, प्राइस जो कंट्रोल होता है उसका नियंत्रण किया जाए ताकि बहुत ज़्यादा महंगाई ना बढ़े। और इन नीति को लागू करने वाला जो संगठन होता है उसको क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं या राष्ट्र बोलते हैं। तो आप समझ गए आर्थिक नीति क्या होता है, तो ये नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जिसमें सरकार ये सब बनाती है, एक देश बनाता है कि रोजगार बढ़ाया जाए, मुद्रास्फीति कम की जाए, विकास किया जाए, गरीबी को कम करना, है ना, मूल्य नियंत्रण करना, ये सब किया जाए। आर्थिक सिद्धांत यानी इकोनॉमिक थ्योरी। अब ये समझिए क्या होता है, देखिए आर्थिक सिद्धांत से अभिप्राय किसी आर्थिक घटना के क्रम की व्याख्या करना है कि कैसे कैसे कोई चीज़ घट रही है। आर्थिक सिद्धांत का संबंध क्यों से होता है, आर्थिक सिद्धांत की रचना मानवीय व्यवहार का अध्ययन, पूर्वानुमान, अवलोकन तथा विश्लेषण करके की जाती है। तो उसका पहले अध्ययन किया जाता है कौन सी घटना है भैया, उसके बाद पूर्वानुमान लगाया जाता है, एस्टिमेशन लगाया जाता है, अवलोकन किया जाता है, ठीक है, उसके बाद एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद भैया कहा जाता है कि अच्छा ये इकोनॉमिक सिद्धांत बन गया है, इस आधार पर इसकी अगर ये मान्यताएं हैं तो ये लागू होगा हर जगह। ये इसमें ऐसे बनाया जाता है इकोनॉमिक सिद्धांत, जैसे मांग का नियम ये ऐसे ही बनाया, ठीक है, कोई भी नियम सिद्धांत जो हैं अर्थशास्त्र के वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। उनका पहले मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, फिर पूर्वानुमान लगाया जाता है, फिर अवलोकन किया जाता है, उसके बाद विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद अंत में बता दिया जाता है कि भैया ये मान्यताएं हैं और ये सिद्धांत है। ये मान्यताओं को मानते हुए अगर इस सिद्धांत को आपने व्याख्या किया तो ये सही उतरेंगे, हर जगह सही अप्लाई होंगे, इनके कहने का मतलब ये है। अब अर्थशास्त्र का महत्व देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र के दो महत्व हैं, एक है सैद्धांतिक महत्व और एक है व्यावहारिक महत्व। सैद्धांतिक महत्व की बात करें तो सबसे पहला ज्ञान में वृद्धि। मैं बहुत बार बच्चों को बता चुका हूँ कि जो भी व्यक्ति अर्थशास्त्र को एक बार अच्छे से समझ गया ना, उसकी बुद्धि ना, उसका तर्क नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, फिर आपसे हारना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके तर्क बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में अगर आप ऐसे बनना चाहते हैं तो आप पहले से कूप मंडूक हैं, आप चाहते हैं कि हम कूप मंडूक ही रहेंगे और अर्थशास्त्र को पढ़ करके हम लॉजिकल बन जाएंगे, तो छोड़ दीजिए, तो नहीं हो पाएगा। आपको पहले समझना ही होगा कि हमें सुधरना है, है ना, लॉजिकल बनना है, समाज में कुछ तर्क देना है। ये सब चीज़ें जब आप सोचेंगे और अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ज्ञान में वृद्धि होगी और तर्क और विश्लेषण करने की क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक है। आप कोई भी आपसे जब कोई तर्क करेगा ना किसी विषय पर, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको हरा पाना, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ही लॉजिकल आदमी बन जाता है। अगला है व्यावहारिक महत्व, यानी प्रैक्टिकल कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे उपभोक्ताओं को लाभ होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, उपभोक्ताओं को बहुत सारा लाभ होता है। हम अच्छी अच्छी जो सामान मार्केट में आती है उसको हम खरीदते हैं, हमें जानकारी मिलती है, कोई भी जैसे उपभोक्ता है उसके सीमित आय है, बहुत कम आय है, तो वो उसी आय से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहेगा। और इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, जो घर की जो गृह स्वामिनी होती हैं, है ना, मम्मी उम्मी, तो वो क्या करती हैं, अपने परिवार का बजट बनाती हैं, फैमिली बजट बनाती हैं, उसका ज्ञान रखती हैं कि भैया कैसे कैसे कितना कितना रुपया लगेगा, है ना, कौन सी हानिकारक वस्तुएँ हैं जो नहीं खरीदनी हैं, कौन सी अच्छी वस्तुएँ खरीदनी हैं घर के लिए सीमित आय में, ये सारी चीज़ें जो है उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाती हैं। अगला है व्यवसायियों को लाभ, तो व्यवसायी अगर जिस भी व्यवसायी को अर्थशास्त्र आता है तो समझ लीजिए उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र जितने भी अर्थशास्त्र के छोटे छोटे क्षेत्र हैं ना, जैसे पब्लिक फाइनेंस हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, है ना, मनी एंड बैंकिंग हो गया, ये सब छोटे छोटे पिद्दी बच्चे हैं इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अगर आप अर्थशास्त्र अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी हर चीज़ आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो भी बच्चा इकोनॉमिक्स का होता है उसको स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, है ना, ये सब समझने में दिक्कत नहीं आती, तुरंत समझ जाता है, बैंकिंग वाले जितने भी मुद्दे होते हैं सब समझ जाता है वो। अगला है किसानों को लाभ, तो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से किसानों को देश विदेश की कृषि की कला की जानकारी मिलते हैं, ठीक है, और खाद किस हिसाब से कहाँ से खरीदना है, पूंजी निर्माण कैसे किया जाता है,
उपकरण खरीद पाते हैं, वो बीज कहाँ से प्राप्त करना है, क्योंकि ये सब उत्पादन होता है ना, कई दूसरे लोग उत्पादन करेंगे तो उनको जानकारी मिलती है, तो सारी चीज़ें वो कर पाते हैं। उत्पादन को कैसे बढ़ाना है, है ना, क्योंकि कृषि का जो कृषि वाला इकोनॉमिक्स होता है ना, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, वो भी इकोनॉमिक्स का ही छोटा सा एक पार्ट है, आप कह सकते हैं छोटा बच्चा है उसका। तो ये सारी चीज़ें वो आइडिया लगा पाता है जब आप वो इकोनॉमिक्स अच्छे से अर्थशास्त्र को समझ लेता है वो। उसके बाद है श्रमिक वर्ग को लाभ। तो श्रमिक वर्ग जब अच्छे से पढ़ पाता है तो उसका शोषण नहीं होता है, वो जागरूक हो जाता है। और आपको मालूम होगा इस क्षेत्र में सबसे बड़े जो उदाहरण हैं वो हैं कार्ल मार्क्स, है ना, कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने बहुत जागरूकता फैलाई इनके बीच में, बहुत उनको मोटिवेट किया, और ये तभी ये चीज़ समझ पाए जब उन्होंने इकोनॉमिक्स को पढ़ा समझा, अदरवाइज वो नहीं कर पाते, है ना। अगला है राजनीतिज्ञों को लाभ। तो राजनीतिक ये भैया किस हिसाब से अपने जनता के लिए, आम जनता के लिए पॉलिसी बनानी है, अभी हमने इकोनॉमिक पॉलिसी पर बात की थी, तो उनको भी लाभ होता है। राजनीतिक मतलब क्या हुआ, पॉलिटिशियंस जो होते हैं देश के। समाज को लाभ होता है, तो समाज को तो लाभ होता ही भैया, बेकारी दरिद्रता मिटती है, मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है, अगर ये सब राजनीतिक अच्छा निर्णय लेते हैं तो मुद्रास्फीति घटती है, पुल अच्छे बनाए जाते हैं जिससे गिरते नहीं, जिससे जान माल का हानि नहीं होती है, तो ये सब लाभ पहुंचते हैं। अगला है आर्थिक नियम। आर्थिक नियम क्या है, देखिए मार्शल के अनुसार आर्थिक नियम सामाजिक नियम होते हैं जो मानवीय प्रवृत्तियों के द्योतक हैं और मान्यताओं पर आधारित होते हैं। तो आर्थिक नियम जो होते हैं वो मानवीय प्रवृत्तियों, इनके जो क्रियाकलाप हैं उनसे संबंधित होते हैं मानव के, और ये कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। इनका संबंध उन मानवीय क्रियाओं से है जिन्हें द्रव्य यानी पैसों में या द्रव्य में मापा जा सके। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र के नियम उन समानताओं के कथन होते हैं जो सीमित साधनों से असीमित उद्देश्यों की पूर्ति करने में मनुष्य के आचरण को शासित करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर मार्शल की जगह ना आप रॉबिन्स कर दीजिएगा, क्योंकि ये रॉबिन्स ने कहा है। अगला है, क्या अर्थशास्त्र के नियम बेकार हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपने तर्कों में गुरुत्वाकर्षण नियम के उदाहरण से यह सिद्ध किया है कि प्राकृतिक विज्ञान के नियम भी आर्थिक विज्ञान की तरह ही हैं। जब मान्यताओं पर आधारित होते हुए प्राकृतिक विज्ञानों के नियम की उपयोगिता बनी हुई है, तब क्यों नहीं आर्थिक नियमों की उपयोगिता होगी। तो उनके कहने का मतलब है, आप ये भी समझिए, जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं आप समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह लागू होता है, तो हर जगह लागू नहीं होता है, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इन्होंने तर्क दिया, रॉबिन्स ने एक तर्क दिया, कहा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ की तरफ यानी पृथ्वी की तरफ नीचे आ जाती है, लेकिन जब हम उसमें हवा भर देते हैं, गुब्बारे में हवा भर देते हैं, तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर हो जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, है तो वो पदार्थ ही ना, भले वो हल्का हो गया हो, वो पदार्थ है तो ऊपर चला गया, यानी वो भी कुछ मान्यता है कि अगर वो हल्का उसमें हवा भर देंगे, हीलियम भर देंगे, तो वो ऊपर की तरफ भाग जाएगा, तो ये भी तो एक मान्यता है। तो ये इस बात को प्रोफेसर मार्शल ने, ये जो बात कही थी ना रॉबिन्स ने, उसको प्रोफेसर मार्शल ने स्वीकार किया है अपनी पुस्तक में। मार्शल के अनुसार आर्थिक नियमों की तुलना ज्वार भाटे के नियम से की जानी चाहिए, क्योंकि जितने अनिश्चित ज्वार भाटे के नियम होते हैं उतने ही अनिश्चित आर्थिक नियम भी होते हैं। इतना होते हुए भी ज्वार भाटे के नियमों की उपयोगिता उस समय देखते ही बनती है जब समुद्र के किनारे लंगर डाले हुए जहाज ज्वार की प्रतीक्षा में बेचैन बैठे रहते हैं। इस बात से पता चलता है कि ज्वार के नियम काल्पनिक होते हुए भी बेकार नहीं है, तो अर्थशास्त्र के नियमों को कैसे बेकार कहा जाए। अब प्रोफेसर मार्शल ने जो अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना की है वो ज्वार भाटे से की है। ज्वार भाटे का नियम क्या बताता है कि जब पूर्ण चंद्रमा होगा उस दिन ज्वार अर्थात लहरों का उठना सबसे ऊंचा होगा, और जैसे जैसे चंद्रमा का आकार छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ज्वार की ऊंचाई कम होती जाएगी। इस प्रकार चंद्रमा के आकार को देखकर हम यह भविष्यवाणी करते हैं कि अमुक दिन समुद्र में ज्वार सबसे ऊंचा आएगा। आकार से हम कर रहे हैं ना कि भैया चंद्रमा जब बड़ा होगा तो ज्वार बहुत ऊंचा आएगा, और जब छोटा होता जाएगा तो ऊंचाई कम होती जाएगी। लेकिन आप समझिए ना, कुछ मान्यताएं ले लीजिए कि उस दिन वर्षा हो जाती है, तूफान या आंधी कुपकस के आ जाता है, तो वो अप्लाई नहीं होगा ना, तो वो तो क्या पता सबसे ऊंचा उठने की जगह वो उठे ही ना, क्योंकि आंधी तूफान आ गया तो उसको नीचे दबा दे, तो वो प्रभावित हो जाता है। इसी प्रकार से आर्थिक नियम भी होते हैं, कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, ये मार्शल का कहना है। तो ये हमारा समाप्त हुआ, आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी।